सर, एक तो जो लास्ट सेशन से जो सीखा वही फैमिली में सबके प्रॉब्लम होती है, पापा बोलते रहते हैं। तो घर जाके पहले तो मैंने मम्मी को ये बोला, मैंने कहा बदल सकती हो क्या? कह रही नहीं, बदले तो जाएंगे, तो फिर छोड़ो जो बोल रहे हो उनको बोलने दो, आप अपनी सोच पे कंट्रोल करो, ज़्यादा बोलो तो नीचे चले जाओ। तो आपके घर में मतलब ऊपर नीचे जाने की गुंजाइश है? बड़ा घर है, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में ये प्रिविलेज नहीं है, यानी एक ही फ्लोर पर रह रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या सजेशन है, कहाँ जाएं वो? सर, घर के बाहर थोड़ा टहला है, कि अभी टहल के आ रही हूं, पापा दो मिनट रुको, तक वापस आती हूं, पापा शांत हो जाते, तब तक वो भूल ही जाते हैं। यू वांट टू शेयर ऑल दीस थिंग्स ऑन द कैमरा, राइट? हां, ठीक है, मम्मी को दिखाऊंगी, शायद पापा शायद थोड़े से, हां शायद पापा, फिर ऐसा ना हो और गुस्सा आ जाए उनको। हाँ, जब भी कुछ नेगेटिव होता है या कुछ नेगेटिव थिंकिंग चल रही होती दिमाग में, तो मतलब कुछ सेकंड बाद तो नहीं कहूँगी, कुछ मिनट बाद या आधे घंटे बाद कुछ, मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो उसका पॉजिटिव सोचती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा होगा, इस बात को यहीं खत्म कर, देखते हैं आगे क्या होगा। प्लीज हैव अ सीट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। अब ये पॉजिटिव क्या है? हम ये बोलते हैं कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन देना, नेगेटिव से बचाना, एक्चुअल में बताऊं पॉजिटिव क्या है? वो पॉजिटिव नहीं जिसको हम पॉजिटिव समझते हैं, एक्चुअल में पॉजिटिव है लाइटली लेना, दैट इज रियल पॉजिटिव। कुछ भी आपके साथ में हुआ लाइटली लो, उनका नेचर ऐसा है, लाइटली लो। किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिव बोलना या नेगेटिव बोलना, यानी कि उस सिचुएशन को या उस पर्सन को जज करना। पॉजिटिव मतलब क्या, हमने जज कर दिया ना कि जो हुआ ये पॉजिटिव है, जज कर दिया, ठप्पा लगा दिया उसके ऊपर। ऐसी पर्सन को हमने बोला ये बड़ा पॉजिटिव पर्सन है, हमने क्या किया, ठप्पा लगा दिया। अब जैसे उस पॉजिटिव पर्सन की हमको नेगेटिव साइड नजर आएगी, हमारी वॉट नहीं लगेगी। वंस यू टेक थिंग्स लाइटली, दैट इज रियल पॉजिटिव। फिर क्या है, आप अननेसेसरी साइड्स नहीं लेते हो, नहीं तो आप दो लोगों में भी साइड लोगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, जज करने की जरूरत ही नहीं। अरे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एट द मोमेंट यू बिहेव लाइक दिस, तो लड़ाई झगड़े होने बंद हो जाते हैं। मेरे हिसाब से जब भी हम जो भी हम सोचते हैं उसमें से मैक्सिमम वो होता है जो हमारे काम का ही नहीं होता। अपने आप को अगर हम थोड़ा सा इसमें अवेयर हो जाएं कि अपनी ओवर थिंकिंग को हम रोक सकें और फिर सोचें कि क्या मेरे काम का है और क्या मेरे काम का नहीं है। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर इट। हमें अवेयर होना है अपने थॉट्स का, क्योंकि अगर हम अवेयर हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, देन देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर हम अवेयर ही नहीं है तो फंस जाएंगे, तब देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग योर थॉट्स अ न्यू डायरेक्शन। सब मानते हैं इस बात को, यस और नो? यस और नो? प्रैक्टिकली देखें कैसे। जैसे कुछ अच्छा सोचते हैं पहले, अच्छा क्या लगता है, आई होप कि एक गुलाब की जो खुशबू है वो सबको अच्छी लगती है। जिसको गुलाब की खुशबू के बारे में नहीं सोचना है, तो साथ वाली जो बैठी है उसकी खुशबू को आप फील कर सकते हैं, अच्छा लगता है। फ्रेग्रेंस ऑफ अ रोज, कैसी फीलिंग हो रही है अंदर से, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? मानो कोई उस गुलाब के पत्ते तोड़ तोड़ करके खा गया और अगले दिन उसने निकाले और अब आप उसकी जो भी उसकी खुशबू बदल गई है उसके बारे में सोचो, देखो कितनी अच्छी फीलिंग होगी। ये थॉट्स हैं। पहले सबसे पहले हमको ये समझना है व्हाट इज द थॉट। जब तक ये नहीं समझ आएगा तो अवेयरनेस ऑफ थॉट तो बेकार ही हो गया, बातें हो गई, लोग बातें करते हैं, जस्ट बी अवेयर ऑफ योर थिंकिंग, अवेयर ऑफ योर थॉट्स, अवेयर ऑफ योर माइंड। नोबडी नोज व्हाट अ माइंड इज, बस बातें करते हैं और उन बातों की वजह से क्या होता है, सब थ्योरेटिकल हो जाता है। आप बैठे रहोगे घंटों तक, आप कहोगे यार हाँ माइंड कंट्रोल हो गया, अरे नहीं हुआ, हो गया, नहीं हुआ, ऐसे ही होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। वी डोंट नो व्हाट माइंड इज, व्हाट थॉट इज। तो थॉट्स क्या है, इसको ध्यान से समझ लेना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है। ये जो हम अपने अंदर ही अंदर अपने आप को बोलते हैं वो थॉट्स है। और थॉट और थिंकिंग के बीच के भी फर्क को समझ लेते हैं, फिर ओवर थिंकिंग पे आएंगे। बिकॉज थॉट इज नॉट अ प्रॉब्लम, थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम। दैट टू इफ दैट ओवर थिंकिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल, इफ इट्स अंडर कंट्रोल देन ओवर थिंकिंग इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे कोई डिस्कवरी आपको करनी है तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा ना, उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा ना, तो क्या वो प्रॉब्लम है? वो तो आपका काम है, उसमें क्या दिक्कत है, उसके बिना आप डिस्कवरी कैसे करोगे? ठीक है, तो थॉट क्या है, जैसे मैंने बोला रोज, तो ये जो बोलना है रोज, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज आ रही है और उस रोज के साथ में जो भी कुछ जुड़ा हुआ है वो सब आ रहा है।
ये थॉट है। थिंकिंग क्या है? जैसे एक है वन स्टेप एट अ टाइम, ये मैंने एक स्टेप लिया बस यहां पर रुक गया, इसको वॉकिंग कहेंगे। लेकिन अगर मैं एक एक स्टेप आगे लेता रहूं तो नाउ इट इज वॉकिंग। यानी कि रोज ये क्या है? इज इट थिंकिंग? इज जस्ट अ थॉट। बट इस रोज के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? हो सकता है कुछ मेमोरीज जुड़ी हुई है। किसी को वैलेंटाइंस डे पे आपने दिया था, उसने थप्पड़ मारा था, व्हाटएवर। अगर वो सब एक एक करके प्ले होने लग जाए तो अब उसको क्या कहेंगे? थिंकिंग। तो थॉट इज नॉट अ प्रॉब्लम, थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, इवन ओवर थिंकिंग अंडर कंट्रोल। इफ यू आर अवेयर ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग कॉन्शियसली, अपनी मर्जी से सोच रहे हो, दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, सोचते रहो कुछ भी। इफ यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग इज, और कहीं के कहीं भाग रहे हो अंदर ही अंदर, दैट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज अब आपका कोई कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। सो नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाट इज अवेयरनेस ऑफ आर थिंकिंग, अवेयरनेस ऑफ आर थॉट्स, व्हाट इज दैट? क्या ये बहुत ही मुश्किल काम है या बहुत ही आसान है? मुश्किल वर्ड तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, मुश्किल को आसान बनाना ही तो खेल है ना। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अभी देखो प्रैक्टिकली करते हैं इस चीज को। सिर्फ ये देखो कि अपने अंदर ही अंदर आप अपने आप को क्या बोल रहे हो। देखो एक मिनट के लिए, आराम से, बी एब्सोल्यूटली स्टिल। आंख बेशक खुली रखो या बंद रखनी है बंद रखो, किया ऑब्जर्व, क्या हुआ, क्या ऑब्जर्व? थॉट्स की फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी। मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब देना अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, कुछ थ्योरेटिकल बात नहीं। अभी जब आप इस तरह से अवेयर थे जो भी आप बोल रहे हो उसके बारे में, तो क्या ओवरथिंकिंग चल रही थी? बीच बीच में थॉट्स आ रहे थे क्या? थॉट मतलब क्या? कुछ ना कुछ बोल रहे होगे कचर कचर अपने अंदर, लेकिन बोला उसके आगे चेन नहीं बन रही होगी, फॉर श्योर। जैसे क्या बोला होगा एकदम से कि अभी कितनी देर और होना है ये? यस और नो? आंख खुली रखूं या बंद करूं? तो इस तरह से हम अंदर कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, बट ये जो बोल रहे हैं वो क्या है? थॉट्स। दिस इज अवेयरनेस ऑफ थॉट्स। ये आप कब कर सकते हो, कहां कर सकते हो? इसके लिए क्या करने की जरूरत है? क्या आंख बंद करने की जरूरत है? कहीं जाने की जरूरत है पहाड़ों में? क्या करने की जरूरत है? कुछ भी नहीं जी। कहीं भी बैठे हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे मेट्रो में हो, चाहे कहीं पर भी हो, आराम से देखो कि मैं देखता हूँ अपने अंदर ही अंदर अपने आप को, क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रही हूँ। दिन में शुरू में अगर 5-10 बार भी ये करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आप देखोगे इसमें किस तरीके से आपको मजा आने लग जाएगा। फिर एक नई हैबिट पड़ेगी। आज है अवेयर ना रहने की हैबिट, खोए रहने की हैबिट, इमेजिनेशन में जीने की हैबिट। फिर कैसी हैबिट पड़ेगी? यहां पर पूरी तरह से रहने की हैबिट। हवा चल रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? पूरी बॉडी में सेंसेशंस हो रही है, हमें नहीं पता होता है। देखो कभी लोगों को क्या देखना है, अपने आप को देखो। रोबोटिक लाइफ नहीं जी रहे होते हम। वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ व्हाट वी आर सेइंग टू आवरसेल्फ्स। अरे खुद को छोड़ो, लोगों को ये तक नहीं पता वो दूसरों को क्या बोल रहे हैं। अभी मैं एक वेडिंग में गया हुआ था तो एक बंदा आया, बंदा बोल सकते हैं, बंदा बोलने लायक था नहीं, वो आया आ करके पता नहीं अपनी पूरी कहानी सुना के चला गया। आई कम फ्रॉम US, आई गॉट 2 kids, यू आर स्टडिंग देयर, ये वो ये सारा उसने बोल दिया। मैंने अपने मन में बोला जब वो चला गया, मैं किसी ने पूछा था तेरे क्या भाई? पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट दे आर सेइंग, कुछ भी बोल रहे हैं, बड़ 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 देखा है ना ऐसे लोगों को? हाँ, तो आप बाहर भी कम बोलो और अपने अंदर भी कम बोलो, उतना ही बोलो जितना जरूरी है, तो कमाल हो जाएगा। इफ यू वॉन्ट टू बी अलाइव इन एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ योर लाइफ, कंप्लीटली अलाइव, जस्ट बी अवेयर ऑफ आप क्या बोल रहे हो। धीरे धीरे बोलना बहुत कम हो जाएगा। आप बोलिए सर। सिंस यू टॉक्ड अबाउट बीइंग अवेयर, अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई डू इज आई राइट इन ऑर्डर टू बी अवेयर ऑफ व्हाट आई हैव बीन ओवरथिंकिंग अबाउट। आई राइट पोएट्री सो दैट यू नो इट लीड्स, इट जस्ट लेट्स आउट।
or some people use music or they can dance also. That's how you channelize it instead of escaping it, like going for a movie and not trying to find something out of it. Excellent. Let's give a big hand for her. ठीक है, मैंने बोला लिखो. लिखने से क्या होता है, कभी सोचा है? देखो, एक है थिंकिंग जिसमें कि डिसऑर्डर है, कोई ऑर्डर नहीं है. रैंडमली कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी यहां से वहां पहुंच गए, फिर वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, रैंडम हो गया ना. थिंकिंग अगर एक ऑर्डर में हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अभी ऑर्डर में कैसे आएगी? वन इज राइटिंग, लिख दो तो क्या होगा, थिंकिंग में एक ऑर्डर क्रिएट होने लग जाएगा. यानी जब भी हम अंदर पजल्ड है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो एक पेपर लिया, उसके बीच में एक लाइन खींची, इसके क्या प्रोज हैं, क्या कौन से, क्या प्लस है, क्या माइनस है. माइंड बड़ी जल्दी क्लियर होता है लिखने से, मतलब थिंकिंग में ऑर्डर आता चला जाता है. तो यहां से आपको समझ आएगा कि थिंकिंग में ऑर्डर कितना जरूरी है. लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन करके, ये करके, वो करके, कि अपनी थिंकिंग को ही मारना चाह रहे हैं. वो बेवकूफों वाला तरीका है. बल्कि आपकी थिंकिंग ऐसी हो जानी चाहिए जो बड़ी कमाल की हो, कि जो लोगों को सोचने में मानो 10 साल लगे, वो आप 10 सेकंड में सोच जाओ. जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना दुनिया के लिए इम्पॉसिबल हो, वो आपके लिए सेकंड्स का खेल हो. वो तब हो सकता है जब आपकी थिंकिंग में एक ऑर्डर है. तो ये ऑर्डर क्रिएट होता है लिखने से. सो दिस राइटिंग इज अ वेरी गुड आइडिया. फिर आपने बोला म्यूजिक, बड़ा कमाल का आइडिया है. क्योंकि जो बातें बोलने में अच्छी नहीं लगती है या बोली नहीं जा सकती है, वो म्यूजिक के थ्रू या तो कन्वे करी जा सकती है, एक्सप्रेस करी जा सकती है, या उसको फील किया जा सकता है. म्यूजिक जान डाल देता है वर्ड्स के अंदर. चीनी मीठी होती है, ये पता है आप लोगों को. वर्ड्स में समझाओ, हिंदी चीनी भाई भाई वाला चीनी नहीं देता, कहीं और मत निकल जाना. मतलब चीनी, शुगर, कैसा होता है शुगर का टेस्ट? किसी ऐसे को समझाओ जिसने चीनी को कभी टेस्ट ना किया हो, नमक ही नमक खाया है उसने. उसको समझाओ, उस नमकीन आदमी को समझाओ को. मिठास क्या है, सब उसके ऊपर से जाएगा. तो आप क्या कर सकते हो, आंख बंद करके जो चीनी की मिठास है उसको फील कर सकते हो और गा सकते हो. तब भी समझ कुछ नहीं आएगा सामने वाले को, लेकिन वो फील करेगा, पास पहुंच गए. अंदर एंगर है, उसको एक्सप्रेस करना हो, कैसे करोगे? जिस पर्सन के ऊपर है उसको मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, तो कैसे करोगे? गा दो अकेले में, कमरा बंद करके लिख दो. तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके जो इमोशंस अंदर दबे पड़े हैं, पता नहीं कब से क्या क्या दबा पड़ा है, वो सब निकल जाएगा. बेशक लिख करके, अगर कुछ ऐसा है जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, तो लिख करके जो भी उसमें गाली गलौच ये वो सब कर दो उसके अंदर, और आग लगा दो उस डायरी को बाद में. खत्म. कोई सबूत ही नहीं है ना, नहीं तो डायरी किसी के हाथ लग गई तो हो गया आपका काम. क्योंकि उन्हीं के बारे में लिख रहे हो जो आपके अपने हैं. अपनों से ही तो प्रॉब्लम होती है, गैर से किसको प्रॉब्लम होती है जी? हमें तो अपनों ने लूटा गैर उनका. क्या बात बोल दी जी, देख रहे हो शायरी की पावर. अब ये बात अगर इनको नॉर्मली बोलनी होती तो कितने वर्ड्स यूज करने पड़ते. अब जैसे किसी की तारीफ करनी है, यू आर इन लव विद अ पर्सन, उसकी तारीफ करनी है, कैसे करोगे? वर्ड्स में मैं बोल रहा हूं कि भाई उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी तारीफ तो करनी ही है. तारीफ को अगर करना ही हो, और अगर आपको एक्सप्लेन करना ही हो कि भाई एक वर्ड के अंदर अंदर तो क्या है, आफरीन आफरीन है, तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, वर्ड्स में जो मैं फील कर रहा हूं उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता. बट इसी को म्यूजिक में कन्वर्ट कर दिया जाए तो गा दूं. एक बार गला थोड़ा बड़े सिंगर्स की यही पहचान होती है. उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, आफरीन 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 आफरीन, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरीन 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 आफरीन. उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं. मेरा दिल रखने के लिए तालियां बजा रहे हो?
चलिए जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑन द कमिंग सैटरडे. तब तक के लिए शब्बा खैर, क्या बोलते हैं शब्बा है ना, हाँ जो भी है, फिर मिलेंगे. हाँ ये अच्छा है, हमारा ही प्यार के फिर मिलेंगे. अरे 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 आना एक मिनट, आना माइक देना जरा भाई साहब को, यहाँ आकर के बोलो तब कुछ मजा आएगा. हाँ मेरी तरफ से ये बोल रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना, पिटवाओ. पकड़ सकता हूँ आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. कुछ फीलिंग्स तो अंदर ट्रिगर नहीं होती हाथ रखने से? आप में तो नहीं हो रही कि? मेरे में तो होती है. हाँ बोलो भाई. हमारा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते. ठीक है जी, सी यू सून.